बिहार के लोगों को पूरी तरह से ठगा गया है। स्थिति ऐसा है कि कुछ हुआ है, कुछ सही हुआ है, तो सामने देखी जो नहीं हुआ, नाली भी आती नहीं अभी तक। आधा अधूरा विकास हुआ है। किस तरह का आधा अधूरा विकास हुआ है, लेकिन कम हुआ है। कितना विकास किया गया मेरे हिसाब से? विकास काफी हुआ है। विकास हुआ है, रोड की दोनों तरफ की जो नालियाँ हैं गंदी पड़ी रहती हैं और कूड़ा निकालने के लिए नहीं आते लोग। बहुत शिकायत है चारों तरफ है। कोई विकास नहीं आप देख रहे हो। अब की बार फिर से बाकी नाली का तो कोई विकास नहीं है। नाली आए दिन भरी पड़ी रहती है। हम लोग कितने दिन से पानी नहीं आया? हो गए साल भर हो जा। टैंकर से कहाँ से लेके आए? टैंकर से। इस वक्त मैं मौजूद हूं नरेला विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 होलंबी कला मेट्रो विहार फेस 1 में, और यहां की जो जनता है वो लगातार पिछले 20 सालों से अपने यहां विकास की लड़ाई को लेकर तमाम अधिकारियों व राजनेताओं के पास जाते रहते हैं, लेकिन अब की बार यहां पर निर्माण कार्य तो किए गए लेकिन आधे अधूरे। जो आप देख रहे हैं सामने ये गली है, इस गली को आधा अधूरा छोड़ दिया गया और कह दिया गया है कि यहाँ पर तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा हो गया है और सभी निर्माण कार्य संपूर्ण किए गए हैं यहाँ पर, लेकिन जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। किस तरह अधिकारी और ठेकेदारों की मिलीभगत के जरिए ये पूरा विकास कार्य यहाँ पर कागज़ों में दिखाया जा रहा है। कागजी कार्रवाई को देखते हुए विभाग ने भी ठप्पा लगा दिया कि मेट्रो विहार फेस 1 में जो विकास कार्य किया गया था वो पूरी तरह से संपूर्ण किया गया है, लेकिन जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की मिली भगत का खामियाजा जो जनता है यहाँ की वो भुगत रही है। आप देख सकते हैं तमाम जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर वो किस तरह नज़र आ रही हैं। ना तो यहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था है और ना ही यहाँ पर संपूर्ण विकास कार्य किया गया है। इसी को लेकर यहाँ के कुछ जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं इस मामले को लेकर यहाँ के लोग कहाँ कहाँ गए हैं और कितना विकास यहाँ पर पिछले 5 साल में हुआ है। सुरेश है जी नाम। सुरेश जी कितना विकास हुआ 5 साल में? विकास तो जी ऐसा है कि कुछ हुआ है कुछ नहीं हुआ है, ये तो सामने देख ही रहे हो आप। नाली वाली सफाई है और भी सीसी इन्हें आधे काम छोड़ के अधूरा भाग गए। मतलब एक ठेकेदार कहता है कि ये के काम हो गया पूरा। शिकायतें कहाँ कहाँ की आपने? शिकायतें यही है जी गली की, एक तो यही है मैं नाली की साफ सफाई की। निगम पार्षद आपके यही की है? यही की है। विधायक आपके यही हैं, तो किन किन लोगों को शिकायत है कि विधायक के पास गए, निगम पार्षद के पास गए, आपके यहाँ पर जो विकास कार्य किया गया आधा अधूरा छोड़ दिया गया? ग्रिल है जो बाउंड्री थी चारों तरफ से वो भी पूरी, पहले तो काफ़ी थी बाउंड्री, अब तो पूरी गई, अब तो ग्रिल भी नहीं है, उखाड़ भी बाउंड्री सब चली गई। ये कहते हो जाएगा हो जाएगा,
अब जब भी हो। अब फिर से निगम चुनाव होने वाले हैं, क्या मत रहेगा चुनाव को लेकर आप लोगों का? अब तो ऐसा कोई ऐसा ही वे आए, ये तो जो है ये तो बेकार है। अब कोई दूसरा आए जो काम करे, बस विकास करे, और क्या चाहिए पब्लिक को। साथ ही बात कर लेते हैं, और लोग भी मौजूद है, नाम बताइए। राम प्रकाश। राम प्रकाश जी, पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ और अपने यहाँ के समस्याओं को लेकर कहाँ कहाँ गए आप लोग? हम लोग इन्हीं के पास जाते हैं, वो करते नहीं। देख कूड़ा तो सामने ही पड़ा हुआ सारा, यहाँ से वहाँ तक, यहाँ पूरा ये पूरा पड़ा हुआ है, कभी उठाते कभी नहीं उठाते यहाँ पे। कितना विकास किया गया 5 साल में? कुछ भी नहीं हुआ, नाली भी आधी नहीं बनी अभी तक। अभी आधे जगह तो खड़ंजे भी, वो RCC पड़नी थी वो भी नहीं पड़ी अभी तक, अभी कुछ भी नहीं हुआ। यही है, अब कोई दूसरा आएगा तो देखा जाएगा। वोट करेंगे आपकी बार? वोटिंग होगी, अब कुछ सही आदमी होगा उसका किया जाएगा। तो आपको दिखा दूं एक बार जो विकास कार्य है वो किस तरह यहाँ पर किया गया है, क्योंकि सड़कें तो बना दी गई लेकिन जो साइड का ट्रैक था उसे छोड़ दिया गया। साथ में जो नालियाँ थी सड़क के, वो नालियाँ भी नहीं बनाई गई हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार जो यहाँ की निगम पार्षद है उसके पास भी जाते रहते हैं, लेकिन हालात यहाँ पर बद से बदतर जो है वो होते जाते हैं, लेकिन विभाग और शासन और प्रशासन दोनों में से कोई भी इस ओर ध्यान नहीं देता। नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। मोहम्मद यूनुस जी, कितना विकास हुआ 5 साल में आपके यहाँ? आधा अधूरा विकास हुआ है जी। किस तरह का आधा अधूरा विकास हुआ? जैसे अंदर की गलियों की नालिये हैं, सफाई कर्मचारी सफाई करके छोड़ जाते हैं, उठाने नहीं आते कूड़ा, वो फिर दोबारा नाली में चला जाता है। और जैसे रोड बना दिया, रोड के साइड की दोनों साइड की पटरी है अभी तक नहीं बनी कहीं भी, पूरा मेट्रो विहार ऐसे ही है। और आधी अधूरी गलियां भी अभी रही हुई है, RC नहीं पड़ी। जब आप फोटो खींच सकते हो, देख सकते हो आप अपने सामने। तो कहाँ कहाँ शिकायत है कि इस मामले को लेकर, क्योंकि जो निर्माण कार्य है वो आधा अधूरा छोड़ दिया गया, तो विभाग को या आपके निगम पार्षद या विधायक को बताया आपने? हमने निगम पार्षद को भी बोला, ठेकेदार को भी बोला, भाई यही बोलते रहे हाँ हाँ होगा, पूरा काम होगा, और आज तक नहीं हुआ। ठेकेदार भी भग गया और काम भी नहीं हुआ, और इलेक्शन आ गए, टाइम भी पूरा हो गया। अब देखो ये काम हुआ है 5 साल में। तो क्या मत रहेगा आपकी बार चुनाव में आप लोगों का? चुनाव में मत यही रहेगा कि जो क्षेत्र में विकास करेगा उसको वोट जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ की जनता है वो लगातार कहीं ना कहीं परेशान है विकास को लेकर, लेकिन जो राजनेता हैं जीतने के बाद इस ओर दोबारा मुड़कर नहीं देखते। बात कर लेते हैं, कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, नाम बताइए। रामेश्वर। रामेश्वर जी, कितना विकास हुआ पिछले 5 साल में आपके? विकास हुआ है लेकिन कम हुआ है। कितना विकास किया गया आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से विकास काफ़ी हुआ है, ऐसी बात नहीं, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। ज़्यादा करके नालियाँ हैं अंदर की, वो भरी पड़ी है, वो कभी सफाई नहीं होती ना, सफाई कर्मचारी नहीं आते, कभी महीने में एक आध बार आता है, वो आएगा भी तो उठाता नहीं, वो अच्छा। निकाल के रख जाएगा, बस वही सूख जाएगा, वही फिर बह के नाली में चला जाता है, क्या फ़ायदा फिर ऐसी सफाई का। तो निगम पार्षद तो आपके यहीं के रहने वाले हैं, तो जब कभी निगम पार्षद आवे जब तो पता लगे इस बात का, कभी यहाँ नहीं रहते वो, आते नहीं। अच्छा, ना ब्लॉक में करवाती, सी ब्लॉक में यहाँ तो कभी आती नहीं, यहाँ सी ब्लॉक में कभी नहीं आती। जो आपके विधायक है कभी उनको शिकायत किया आप लोगों ने जाकर? करते ही रहते, कई आदमियों ने कर रखी है शिकायत तो, लेकिन वो भी नहीं आते, वो भी नहीं ध्यान देते। तो जो लोग हैं वो लगातार शासन और प्रशासन से जो है शिकायत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कि जो यहाँ की जनता है हर 5 साल में वोट करती है, लेकिन जो जनता है वो विकास के लिए वोट करती है, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं किया जाता। 5 साल में सड़क तो बनाई गई है लेकिन इसके बाद जो गलियाँ थी उन गलियों को छोड़ दिया गया, ठेकेदार और अधिकारियों की मिली भगत जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के अधीन जो गलियाँ थी वो बनाई गई थी, और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों का जो रवैया था वो आपको दिखा दिया गया है। तमाम जो गलियाँ हैं वो आधी अधूरी छोड़ दी गई, इसी को लेकर आज हमने यहाँ की जनता से बात की है। और आप भी चाहते हैं कैसल न्यूज़ आपके द्वार के कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके पास आए और आपके इलाके की समस्या को जनता के सामने दिखाएं और शासन और प्रशासन को दिखाएं, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली से नीति सेन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।